हेलो चिल्ड्रन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन टुडे वी विल स्टडी सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास फिफ्थ लेसन फोर्टीन आई एम लकी आई एम लकी मीन्स मैं भाग्यशाली हूँ एक बहुत अच्छी पोएम है चलिए पहले पोएम रिसाइट करते हैं इफ़ आई वर अ बटर फ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माय विंग्स If I were a man in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me. Not you, but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to go right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my eight arms. So I just think I am lucky to be me. Not you, but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me? Or just you, just you? So, children. कैसी लगी आपको ये पोयम चलिए इस पोयम को रिसाइट करने के बाद हम इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं फॉर माई विंग्स अगर मैं तितली होती मैं आभारी होती अपने पंखों के लिए इफ आई वर आ इन ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई सिंग अगर मैं अगर मैं कोई पेड़ पर मैना होती उसके लिए मैं आभारी होती कि मैं गाना गा पाती इफ आई वर अ फिश इन सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल अगर मैं समुद्र में मछली होती मैं आभारी होती क्योंकि मैं पानी में खिलखिलाकर टेढ़े मेढ़े चलकर खुशी से तैरती रिगल और गीगल मीन्स खिलखिलाकर हंसना और टेढ़े मेढ़े चलना सो आई जस्ट थिंक आई एम लक्की टू बी मी नॉट यू बट मी इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं जैसी हूँ उसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ तुम नहीं पर मैं इफ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेस my ट्रंक अगर मैं हाथी होता मैं आभारी होता तो मैं अपने सूंड उठाता आई वर अ कंगारू आई वुड ट्राई टू गो राइट अपॉन द मून अगर मैं कंगारू होता तो मैं सीधे चांद तक जाने की कोशिश करता आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई एट आर्म्स अगर मैं ऑक्टोपस होता तो मैं आभारी होता अपने आठ हाथों के लिए सो आई जस्ट थिंक आई एम लक्की टू बी मी नॉट यू बट मी वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं जैसा हूँ उसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ तुम नहीं पर मैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या बनना चाहते हो डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो और जस्ट यू जस्ट यू या अपने जैसा रहना चाहते हो बस अपने जैसा इस पोयम में बच्चों ये बताया गया है कि भगवान ने हमें जैसा बनाया है हमें वैसे ही खुश रहना चाहिए क्योंकि सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है इसलिए भगवान ने हमें जैसा बनाया है हमें उसे अपने आप को भाग्यशाली मानकर खुश रहना चाहिए थी ना बहुत ही मज़ेदार पोयम चलिए इस पोयम में आए कुछ न्यू वर्ड्स हम पढ़ते हैं बटरफ्लाई बटरफ्लाई मीन्स तितली मैना मैना मीन्स मैना कंगारू कंगारू मीन्स कंगारू ऑक्टोपस ऑक्टोपस मीन्स ऑक्टोपस आर्म्स आर्म्स मीन्स हाथ हाथों जैसे ऑक्टोपस के आठ हाथ हैं ना वही नेक्स्ट कंप्लीट दीज सेंटेंसेस एनिमल्स और उसके एक्शन दिए हैं उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है फर्स्ट अब बटरफ्लाई कैन फ्लाई बटरफ्लाई का क्या एक्शन है बटरफ्लाई क्या करती है कैन फ्लाई फिश क्या करती है फिश कैन रिगल एन एलिफेंट कैन रेज इट्स ट्रंक हाथी अपनी सूर को उठा सकता है यू तुम क्या कर सकते हो यू कैन सिंग यू कैन डांस यू कैन रन यू कैन ड्रॉ आप इस तरह से कुछ भी जो कर सकते हो उसे आप कैन सिंग डांस रन इस तरह से जो एक्शन कर सकते हो उसे आप बता सकते हो इस सेंटेंस में कम्प्लीट करके लिख सकते हो नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवेन बिलो कुछ शब्द दिए हैं उसकी सहायता से खालिस्तान भरिए फर्स्ट इफ आई वर अ कंगारू आई वुड हॉप लाइक देम सेकेंड इफ आई वर अ टाइगर आई वुड रोर लाइक देम थर्ड इफ आई वर अ फिश आई वुड स्विम लाइक देम इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई लाइक देम सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क है राइट फाइव अदर वर्ड्स सिमिलर टू द फर्स्ट वन एंड यूज दैम इन योर ओन सेंटेंसेस कुछ शब्द दिए हैं और पहला शब्द उसको पूरा किया हुआ है आप उस शब्द से कुछ नए वाक्य बनाइए पहला है थैंक प्लस फुल क्या बनेगा थैंकफुल थैंकफुल से आपको सेंटेंस बनाना है हेल्पफुल केयरफुल ब्यूटीफुल यूजफुल ये चार सेंटेंस ये चारों शब्दों से आपको सेंटेंस बनाना है यह आपके लिए होमवर्क है अपने पेरेंट्स की सहायता से अपने ब्रदर सिस्टर की सहायता से आप ये होमवर्क अपनी नोटबुक में कीजिए और ये जो पोयम है इसे आप रिसाइट कीजिए लर्न कीजिए आज की कक्षा में यहीं समाप्त करती हूँ अब मैं आपसे अगली क्लास में मिलूँगी तब तक गुड बाय थैंक यू